शहरी क्षेत्रों में चार पहिया वाहन व भारी वाहनों के आवागमन पर तुरंत प्रभाव से रोक। जिलाधीश झज्जर व बहादुरगढ़ शहर में निर्धारित सड़कों पर उक्त वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध। जिलाधीश दीपेंद्र कुमार ने जारी किए आदेश। खबर हरियाणा प्रदेश की शान न्यूज चैनल से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। झज्जर में 12 जून को जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निहित शक्तियों को प्रयोग करते हुए जिला के विभिन्न स्थानों पर चार पहिया वाहन व भारी वाहनों के आवागमन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। ये आदेश आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने जारी आदेश में बहादुरगढ़ शहर के NH 9 रेलवे रोड से रेलवे रोड गंदा नाला शहर बहादुरगढ़ तक, NH 9 से गंदा नाला तक नाहरा नाहरी रोड बहादुरगढ़ स्टैंडर्ड स्वीट से मेन बाजार किला गेट तक, मेन बाजार बहादुरगढ़ में पुराना नजफगढ़ रोड से शिव चौक तक, झज्जर मोड़ से बादली चुंगी बहादुरगढ़ तक तथा मेन रोहतक रोड से पुराना बराही रोड त्रिवेणी स्कूल बहादुरगढ़ तक चार पहिया वाहन व भारी वाहनों के आवागमन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। वहीं सेक्टर 6 बहादुरगढ़ में गांव सांखौल से पूरा पटेल नगर बहादुरगढ़ तथा सेक्टर 6 पुलिया नंबर 1 नजदीक देवीलाल पार्क तक चार पहिया वाहन व भारी वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी। बहादुरगढ़ लाइन पार्क क्षेत्र में नाहरा नाहरी रोड रेलवे पुल से श्री कृष्ण पेट्रोल पंप तक, छोटू राम नगर मेन रोड लाइन पार्क तथा विकास नगर बराही रोड से RK फार्म हाउस तक उक्त वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी। इसी प्रकार झज्जर शहर में चिकारा चौक से अंबेडकर चौक तक, अंबेडकर चौक से वाया मेन बाजार कुलदीप चौक तक तथा सिलानी गेट से मेन बाजार झज्जर शहर में चार पहिया वाहन व भारी वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी। जिलाधीश ने स्पष्ट आदेश दिए कि बाजारों में आने वाले सभी व्यक्तियों के लिए सोशल डिस्टेंस की पालना, मास्क पहनना आदि अनिवार्य होगा। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के विभिन्न प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।